हाँ जी बाबा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांग के लगा ऐसा कौन सा काम किया है? ऐसा मांग करना एक अलग बात है, लेकिन काम करके दिखाना वो एक अलग बात है। काम करके दिखाएंगे तो मांगने की दरकार नहीं रहेगी। बता, बिहार बाहर लाए तो बिहार बाहर ला रहा है कि और ही सूखा पड़ रहा है, और ये अकाले मौतें हो रही हैं, और ये आतंकवाद फैल रहा है। चुप हो गए, कान पकड़ने लगे। ये जो हद मान को रहे हैं, बेहद उसको बताओ। हैं? हद में जो चल रहा है, ये बेहद में क्यों है? नहीं चलता है। हद और बेहद में दोनों नहीं होता है। इसके बाप दादा बिहार की बात तो सुनते नहीं का सुनते नहीं जैसे केंद्र की सरकार नहीं सुनती है, जैसे केंद्र की सरकार बिहार के बारे में सुनती नहीं है। सिक्किम सरकार बिहार के बारे में क्यों सुने? बिहार की सरकार बिहार के बारे में सुने, सिक्किम की सरकार सिक्किम के बारे में सुने। केंद्र की सरकार को सिर्फ बिहार के लिए देखना है या सभी को देखना है? फिर और केंद्र की सरकार देखेगी पहले जहाँ से केंद्रीकरण शुरू होता है। केंद्रीकरण कहाँ से शुरू होता है? केंद्रीकरण शुरू होता है निराकारी स्टेज से। अब जब तक निराकारी स्टेज नहीं बनाई है, देह अभिमान घड़ी घड़ी कूद पड़ता है, घड़ी घड़ी कान पकड़ना पड़ता है, तो फिर केंद्रीकरण कहाँ होगा? ये सूर्यवंशी आत्मा ही है जो केंद्रीयकरण ला पाती है। सारी दुनिया का ध्यान एक सूर्य की ओर खींचना है, और इसका माने ये होता है, आपको निश्चय है या पक्का निश्चय नहीं है? जब सतो प्रधान स्टेज में पहली बार आत्मा निकलती है, पहले पहले जब बच्चा पैदा होता है तो सात्विक होता है या तमो प्रधान होता है? सात्विक होता है। तो आपको ये बताने के लिए उस समय आप सात्विक स्टेज में हैं, आप कुछ भी लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन धीरे धीरे दुनिया सतो प्रधानता से किस ओर बढ़ती है? तमो प्रधानता की ओर बढ़ती है। बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो दुनिया के माहौल के संग के रंग में आया और फिर धीरे धीरे बदलने लगता है। हाँ, वो तो बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि जब कोई बच्चे आते हैं तो उनका ग्रुप का फोटो खींचो, आते समय का भी फोटो खींचो और जाते समय का भी फोटो खींचो। इसका मतलब यह हो, जब आते हैं तो ज्ञान सुन करके बाप का निश्चय लेकर के आते हैं, बड़ी खुशी खुशी से आते हैं, चेहरे चमकते हुए होते हैं, और जब जाते हैं तो चेहरा धीरे धीरे लटकाना शुरू हो जाता है। आते समय तो फोटो नहीं खींचा गया था मेरा। हाँ, जाते समय खींचा गया था। तो एक बात समान है कि मेरे रजिस्टर में शिकायत है कि सेवा के लिए 3 महीना है, सेवा के घर की सेवा के लिए 3 महीना मैंने शिकायत है। 3 महीने सेवा के पहले महीना लिखे थे। मैं नहीं रहा 3 महीने, नहीं रहे। देखो पहले ही तमो प्रधान होना शुरू कर दिया, तो गलती हो गया। बाबा के घर में लिखना और लिख करके फिर करना नहीं, ये तो गलत बात हो गई। हाँ, कर क्यों नहीं कर सकते? कोई जिंदगी भर भी कर सकते हैं तो आप 3 महीने नहीं कर सकते?
और बाबा बिहार में भागलपुर जिले के अंतर्गत विक्रम शिला नामक एक स्थान है जहाँ पर खुदाई में है जहाँ पर खुदाई की गई सरकार के द्वारा वहाँ कटी और छोटी बड़ी देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली है। कहा जाता है वहाँ कभी विश्वविद्यालय था तो इसका जो महाराजे महाराजे का घर था। आज बाबा वो था क्या? था क्या? तुमने विक्रमी संवत सुना नहीं है? राजा भोज का राज्य कहाँ था है? जब भोगी दुनिया की शुरुआत हुई तो विक्रमादित्य का राज्य भी शुरू हुआ था, समझा? और वो बिहार में ही था। और क्या हुआ बाबा? तो कंप्लीट हो गए तो वहाँ का माहौल देख करके निद्रा आ गया ना? क्या आ गया? निद्रा आ गया। निद्रा? निद्रा आ गया। घृणा आ गई? तो क्यों घृणा आ गई? तुम्हें तो पहले ही बता के सिखाया कि भेजा गया था कि भगवान पति देश में आते हैं, गंदे देश में आते हैं, ऐसे गंदे गांव में आते हैं जहाँ के लोगों को खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती। तो भगवान बाप कहाँ आएगा? गरीबों के बीच में आएगा या रईसों के बीच में आएगा? गरीबों के बीच में आता है, है? अब तुम सारी गलती गलती बताते रहो तो नई बात क्या है? अरे शुरुआत में जब भावना अच्छी लेकर के गए हैं तो शुरुआत में ही अच्छा ही होना चाहिए, कुछ भी बुरा नहीं हो। अगर बुरा देखने भी आता है तो वो भी अच्छा नजर आए। फाउंडेशन में अच्छा ही अच्छा होगा तो अंत तक अच्छा ही रहेगा, और फाउंडेशन में बुरा हो जाता है तो बुरा हो जाता है। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन कहा जाता है, इसलिए लालने के पांव पालने में ऐसे दिखाई पड़े जो सब कोई कहे कि ये तो होवनहार बच्चा है, कुछ करके दिखाएगा। अभी फटाक से परिवर्तन कर दो। क्या परिवर्तन करना है? तामसी स्टेज लानी ही नहीं है, तामसी संकल्प भी आना नहीं है। और बोला गया है जहाँ लक्ष्मी नारायण का टेम्पल हो और उस घर में सभी को इस ज्ञान में चलता हो, संगठन वहीं पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोला गया है कि जहाँ लक्ष्मी नारायण का टेम्पल हो, जहाँ लक्ष्मी नारायण का सैंपल हो। सैंपल कहाँ है? लक्ष्मी नारायण का सैंपल कहाँ है पहले बताओ? है जो युगल ज्ञान में चलते हैं वो सैंपल होता है, जो युगल होता है वो सैंपल होता है? सैंपल तो नहीं होता, हर एक युगल तो सैंपल नहीं होता है। हाँ ये कहेंगे सन्यासी नहीं है क्या? हाँ संभावना है कि अगर युगल है तो प्रवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा जो फाउंडेशन डाला जाएगा वो प्रवृत्ति मार्ग का पड़ेगा। और बोला गया कि कुछ परिवार में सारे अगर सदस्य हो भी है सभी इस ज्ञान में चलेंगे हैं? तो सभी इस ज्ञान में चलेंगे तो वहाँ संगठन होगा, संगठन नहीं होगा, क्या कारण? उसका कारण यह है कि अगर एक कौआ होगा तो सबको उखाड़ता रहेगा। होगा कैसे? तो अलग हो जाओ हैं? जिन्होंने करके दिखा दिया उन्होंने कैसे करके दिखा दिया? जिन्होंने ये काम करके दिखा दिया ज्वाइंट परिवार में थे, ज्ञान में आ गए पति पत्नी और दोनों अलग हो गए, अपने पैरों खड़े हुए हैं? हाँ तो करने से होगा ना, अपने आप थोड़े ही हो जाएगा। है पांडव हैं तो पांडव भवन खोल दें, पांडव भवन खोल दें, पांडवों को निमंत्रण दें आओ।
अपना भागी बनाओ। हाँ, संगठन में पांडव अपना पांडव भवन खोल दे, उस पांडव भवन में पांडव इकट्ठे होकर के रहें, इकट्ठा खाना बनाएं, इकट्ठा क्लास करें और अपना अपना धंधा करें। हैं? कोई भी खोल सकता है जो ज्ञान में चलने वाला है। है का अर्थ क्या है? आओम तीन शब्द हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का अर्थ है वही ओम का अर्थ है। आपकी आत्मा भी ओम है, स्थापना भी करती है दिव्य गुणों की, उनकी पालना भी करती है और आसुरी गुणों का विनाश भी करती है, इसलिए आपकी आत्मा स्वयं ओम है। पहले अपन ही तो कर लो, पहले हमारे अंदर से बात पैदा होगी कि बाहर से आएगी। शांति की सीमा है असीम। जैसे नई दुनिया में अशांति का नाम निशान नहीं होगा, ऐसे नहीं कि ये दुनिया नहीं होगी, दुनिया होगी लेकिन चौथाई परसेंट भी अशांति नहीं होगी। दुनिया में कितना शांत है? दुनिया में अभी कहां शांत हो जाएगी, फिर भगवान को आने की क्या दरकार है? अगर अभी शांति हो जाए दुनिया में तो भगवान को दरकार है आने की? अभी नहीं है ये, क्या कोई जानता नहीं इस बात को? अरे अपने मन के अंदर शांति है, फिर जब अपने अंदर ही शांति नहीं है तो दुनिया में शांति कहां से हो जाएगी? श्रीपुर का मतलब हुआ जहां श्रेष्ठ है, सारा पूर्व श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ हो, कुछ भी भ्रष्ट न हो, उसको कहेंगे श्रीपुर अर्थात लक्ष्मी कपूर। है वही गौरी, वही लक्ष्मी। खगड़िया का मतलब खंगाल दिया, जैसे पानी है, पानी में मिट्टी डाल दो और यूं यूं करके घुमाओ तो खंगाल दिया, ऐसे ही ये खगड़िया है, ये ज्ञान को खगारती है। और हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है बाबा, गौरीपुर से आप ही एक आत्मा हैं और कोई नहीं निकल रही है, आगे निकल पड़ेगी। अरे कोई धरणी ऐसी होती है जो जल्दी फल दे देती है, कोई धरणी ऐसी होती है तुरंत फल नहीं देती है, बाद में फल देती है। ठीक है बाबा, कुछ क्या हम देते हैं जो कि माता पिता भाई को तो देते हैं। पतित दुनिया में भगवान आता है तो पहले पहले किसको उठाएगा? पतित को ही उठाएगा, तो तुमको उठा लिया बाबा। है शनिवार को खिचड़ी क्यों खाया जाता है? शनिवार को खिचड़ी क्यों खाया जाता है? शनिवार को खिचड़ी खाई जाती है, ये तो नई बात सुनी है। ऐसे होता है कि शनिवार को ही खिचड़ी खाते हैं, संडे को नहीं खाते, अब कंपल फरुखाबाद में तो रोज खिचड़ी खिलाई जाती है, फिर तो ये बात तो झूठी हो गई है।
ये बिहार का फोटो खींच रहा है। हाँ बोलो। हाँ क्या सूक्ष्म कर्म कौन से होते हैं? जो संकल्प से परिवर्तन किया जाता है वो सूक्ष्म कर्म है। संकल्प की एकाग्रता इतनी तीक्ष्ण हो कि इधर संकल्प किया और उधर कर्म होने लगा, उसको कहेंगे अति सूक्ष्म कर्म। और आस्था और विश्वास में क्या अंतर है? आस्था और विश्वास में अखा और विश्वास में क्या अंतर? आस्था माने स्थिति है, हमारी स्थिति है वो है आस्था, और विश्वास माने सब में हमारी आशा है। विश्व माने सब कुछ, ये सारी दुनिया विश्व है और उसमें हमारी आशा लगी हुई है। ये भी सुधर जाएगा, वो भी सुधर जाएगा, ये भी सुधर जाएगा, ये भी सुधर जाएगा, कोई ऐसा नहीं है जिसमें हमारी विश्वास न बैठा हुआ हो, उसको कहेंगे विश्वास। उसमें विश्वास जो लगाते हैं, मुझे विश्वास है कि भगवान इस दुनिया पाए, तो आस्था क्यों नहीं लगाते हैं? आस्था क्यों लिखते हैं? सारे विश्व के लिए कल्याणकारी होना, यही तो बात अच्छी है। सारे भगवान आएगा तो दुनिया में किसी को छोड़ देगा? किसी की सदगति किए बगैर छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पक्का विश्वास किसका हुआ? भगवान का हुआ। ऐसा विश्वास हमारा भी हो जाए। और बाप के सवार, बाप के ऊपर सवार होकर हाँ पढ़ाई पड़ती है। हाँ वो भी अपने कमर पर सवार होकर पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, तो शिव कुमार का जो है वो उनके कमर पर वो भी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। जैसे मुस्लिम बोलेगा कि वो प्रकृति से हाथ मिला लिए कुमार का, वो पढ़ाई पूरी किसके कमर पर सवार होकर पढ़ाई कर, वो तो हाथ मिला लिया ना पढ़ाई। हाँ पढ़ाई की बात ही तो बता रहे हैं कि उसकी भी कोई बीज रूप आत्मा है ना, कुमार का दादी की कोई बीज रूप आत्मा है या नहीं है? तो वो ही है, वो ही माँ काली जो यज्ञ के आदि में भी थी। हैं बेहद की जो बात कर रहे हैं और तुम हद की समझ रहे हो। जो इस्लाम धर्म की बीज है उसी में प्रवेश होकर के पार्ट में जाती है। और बाबा सत्य को जो सिखाया गया इसका सत्य को मुझे दिखाया गया है इसका क्या सत्य की कृष्ण के हाथ में बांसुरी दिखाई कृष्ण के हाथ में दिखाया गया है सत्य की कृष्ण के हाथ में। वहाँ बच्चे जो होते हैं और बड़े जो होते हैं वो कोई वाद्य यंत्र मशीनों के बने हुए नहीं होते हैं, पत्ते के लकड़ी के बांस के बने हुए वाद्य यंत्र होते हैं। वहां करेंगे क्या? नाचेंगे गाएंगे यंत्र बजाएंगे आवाज करेंगे मीठी मीठी और क्या करेंगे? तो बांस की बांसुरी दिखाई गई। और बाबा कहते हैं कि सतयुग में चैन की बंसी बजाते हैं इसलिए बंसी दिखाए, सतयुग में चैन की बंसी बजाते हैं चैन 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 अमन चैन। हाँ अमन चैन की बंसरी और कुछ नहीं दिखाते हैं, कपड़े भी तो दिखाते हैं तो अमन चैन कहेंगे। अमन चैन तो वहाँ होता ही है, लेकिन अमन चैन करने के लिए भी कोई साधन चाहिए। क्या चाहिए? बैठे रहेंगे सिर्फ तपस्या जैसे? ऐसा तो नहीं है। वहाँ गीत गाएंगे, वहाँ डांस करेंगे, वहाँ खेलेंगे, वहाँ यंत्र बजाएंगे और क्या करेंगे? चित्रकारी करेंगे। और इसमें कहते हैं कि पवित्र रहो
पवित्र रहना अनिवार्य है, तो हम कैसे समझेंगे कि पवित्र है और कितना आत्मा? चेहरे से नहीं दिखाई पड़ेगा? चेहरे से दिखाई पड़ता है कि नहीं? हाँ, सीमा होती है देवताओं के चेहरों में। कैसी सीमा होती है? आंखें बड़ी बड़ी आकर्षण में होती है, दिखाई नहीं पड़ती है। आंखों में रोशनी नहीं दिखाई पड़ती है, आंखों में स्थिरता नहीं दिखाई पड़ती है। आज अपवित्र हैं तो गाल चपुट्टी होते जा रहे हैं, आंखें अंदर घुसती चली जा रही है, देवताओं की आंखें बाहर दिखाई पड़ती है। पवित्रता में और इम्प्योरिटी में अंतर दिखाई नहीं पड़ता? दिखाई पड़ता है। और कहां कृष्ण की पवित्रता? 16108 रानियां दिखाई जाती हैं, फिर भी चेहरा चमचमाता हुआ दिखाई पड़ता है। और कहां आज की दुनिया में एक एक औरत रखते हैं और चेहरा चुपट्टी हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। योगी की और भोगी की चेहरे से ही पता लग जाता है क्या भोगी है और क्या योगी है। बाबा, नाते से और सुशीला का मन क्या होता है? राजेश और सुशीला का मन, राजेश का मतलब राजाओं का ही माने महाराजा, और सुशीला का अर्थ है जिसके अंदर सुंदर सील हो, सील प्योरिटी को कहा जाता है, जिसमें प्योरिटी श्रेष्ठ किस्म की प्योरिटी हो उसको सुशीला कहा जाता है। और अरे बच्चे को ही बोल लेने दो। हाँ बोल बाबा, कृष्ण तो भोजली बजाकर कमर में क्यों खोस है? कौन सी कमर में खोस लेता है? और डांस करता है ना, जब डांस करता है तो मुरली थोड़े ही बजाता है, जब फ्री हो जाता है तब कमर में घोसर लेता है। जय हिंद, जय हिंद का मतलब हिंदुस्तान की जय, जय भारत की मतलब जय भारत की, भारत माता की जय हो। हिंदुस्तान विदेशियों का अर्थ है, शब्द है, और भारत भारतवासियों का शब्द है। जो भारतीय है वो भारतीय भाषा बोलते हैं, उसका अर्थ होता है भा माने रोशनी। ये ज्ञान की रोशनी में जो रत रहता है, लगा रहता है, उसको कहते हैं भारत। कौन रहता है ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला? वही त्रिनेत्री है, उसका कोई दूसरा धंधा नहीं है, इसलिए उसका नाम भारत है। ये हिंदुस्तान नाम विदेशियों ने रखा है। और बाबा, बच्चे दूरदर्शी कैसे बन जाते हैं? बच्चे दूरदर्शी कैसे बन जाते हैं? बच्चे दूरदर्शी कैसे बन जाते हैं? दूरदर्शी, दूरदर्शी कैसे बनते हैं? दूर की बात सोचेंगे तो दूरदर्शी बनेंगे, अपने नजदीक की आसपास की बातें सोचेंगे तो दूरदर्शी नहीं है। और कृष्णा बच्चा फर्स्ट प्रिंस था बाबा, कृष्णा का कृष्णा फर्स्ट प्रिंस था, बच्चा था, तो वो उसका किस राजाओं ने जन्म हुआ है? वो राजा कौन थे? कृष्णा तो प्रिंस था, फर्स्ट प्रिंस था, राजाओं कौन थे? वो राधा कौन सी राधा? तो विश्व के मालिक का बच्चा था, वो सतयुग का प्रिंस कहा जाता है। हाँ, वो सतयुग का प्रिंस था, लेकिन उसका जो बाप था वो सारे विश्व का मालिक था, सिर्फ भारत का मालिक नहीं था। जो सतयुग में कृष्ण बच्चा पैदा होगा वो सिर्फ सतयुग का मालिक बनेगा, सारे विश्व का नहीं। और उसका बाप सारे विश्व का पिता। बाबा, सूर्य का मामा तो बहुत ही है, एक सेकंड में ब्रह्मा को विष्णु बन जाता, एक सेकंड। तो संगम 100 साल है, तो 1936 के जब 100 साल पूरा होता है संगम, तो 1936 के लास्ट समय में, 1936 के लास्ट समय में, हाँ,
1936 क्या बोलते हो? हाँ तो 2036 तक जाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा की सोल 50 साल पहले ही शरीर छोड़ देती है। 5000 वर्ष के साइकिल में उनके 50 साल कम हो जाते हैं साकार शरीर से। वो साकार शरीर से 50 साल जब पूरे होते हैं 2018 में, तो उस समय वो आत्मा संपन्न स्टेज प्राप्त कर लेती है। कौन सी संपन्न स्टेज? उनकी बुद्धि में ये पढ़ाई बैठ जाती है गीता का भगवान मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। उसी सेकंड वो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। और सीढ़ी के नीचे जो दिया गया है, सीढ़ी के नीचे में सबसे नीचे जो दिया गया है काय का चित्र गीता का, गीता के अंदर दिखाया गया उसका बोले क्या होता है? का मतलब ये होता है कि जो बैगर टू फुल प्रिंस बनने वाला है वो भारत है। वो भारत दुखदाई कांटों की शैया के नीचे पड़ा हुआ है। सारे ही दुखदाई कांटे हैं, एक भी फूल नहीं है, जिसके लिए बाबा कहते हैं मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। ऐसे कांटों की शैया पर पड़ा हुआ भारत, उसके पास एक ही शक्ति है, बुद्धि में गीता का ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए वो गीता की किताब दिखाई गई है मस्तक के नीचे। एक आदमी बोलो। 2018 में जब फिर पदयात्रा को बताया कि एक सेकेंड में हमारे नीचे रहती है, तो सब पकड़ जाएगा क्यों मना रहे थे? सूक्ष्म शरीर भूत प्रेतों का होता है या देवात्माओं का होता है? हाँ तो वो तो सूक्ष्म शरीरधारी है माने संपन्न आत्मा नहीं है। और संपन्न बनने के बाद वहीं राम की आत्मा में ही रहेगा, दुनिया जान लेगी ये राम और कृष्ण एक ही हैं, एक ही व्यक्तित्व के द्वारा पार्ट बजाते हैं, यही बाप दादा हैं, ये कंबाइंड हैं। अभी संशय पैदा होता है ये कंबाइंड बाप दादा कौन हैं? एडवांस कोर्स लेते हैं तो निश्चय बैठता है हाँ यही कंबाइंड बाप दादा है। बाहर की दुनिया में आते हैं, संघ के रंग में आते हैं, फिर प्रश्नचित्त हो जाते हैं ये बाप और दादा कौन है। और अच्छा बाबा सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगी कृष्ण की आत्मा की 2018 में, तो गुलजार दादी में प्रवेश बंद हो जाएगी? गुलजार दादी पहले ही शरीर छोड़ दें तो अच्छा है। तुमको क्या अच्छा है? शरीर छोड़ना अच्छी बात है। अच्छा तो तब है जब शरीर छोड़ना अच्छा हो, तो शरीर छोड़ना अच्छी बात है कि तो खराब बात है? हम किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसा बुरा क्यों सोचें? वो भी यज्ञ की कन्या, और यज्ञ की कन्याओं ने यज्ञ में बहुत सहन किया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ये यज्ञ का कारोबार कन्याओं माताओं के हाथ में नहीं रहता है, किसके हाथ में रहता है? भाइयों के हाथ में आ जाता है, दुर्योधन दुशासनों के हाथ में आ जाता है, और कन्याओं माताओं को उससे बहुत तकलीफ होती है। बाबा बाबा भैंस का मोटा दिमाग क्यों होता है, गाय का पतला दिमाग क्यों होता है? भैंस का मोटा दिमाग क्यों होता है? हाँ वो भैंस बुद्धि है ना, तो मोटी, क्योंकि गाय को कृष्ण ने पाला है ना, भैंस को और भैंसा को धर्मराज ने पाला है। धर्मराज को ऑर्डर मिलता है इसको फांसी, तो उसको फांसी देनी पड़ती है, वो तो चांडाल का पार्ट हो गया। और त्रिमूर्ति में
ब्रह्मा दो लकीर दिखाया गया है, समृद्धि रूपी दो लकीर दिखाया गया है, खाए में समृद्धि रूपी दो लकीर दिखाया गया, एक ब्रह्मा प्लास्टिक पर एक शंकर की मस्ती पर, विष्णु प्लास्टिक पर जो बच जाएगा मूर्ति में, हाँ त्रिमूर्ति फोटो में स्मृति रूपी लकड़ी जो दिखाया गया है ब्रह्मा और शंकर वो खड़ा हुआ है ना पुरुषार्थ में, तो जो पुरुषार्थ में खड़ा हुआ होगा उसकी स्मृति नजदीक होगी कि दूर होगी? अरे तुम पुरुषार्थ में बैठे हुए हो, अभी सो जाओ तो पुरुषार्थ में सो जाओ और ज्यादा नीचे हो जाएगी। अब वो तो खड़ा हुआ है, तो जो पुरुषार्थ में खड़ा हुआ है वो ज्यादा चैतन्य होगा ना, इसलिए उसकी स्मृति नजदीक है, पहुंचा हुआ है। कहाँ तक? शिव बाप तक। और बकरी को कौन पालते थे? बकरी को कौन पालते थे? बकरी को कौन पालते थे? बकरी क्या करते थे? बकरी को कौन पालते थे? बकरी को, बकरी को कौन पालेगा? बकरी को पालने वाला कसाई होगा? अरे होगा कि नहीं? होगा। हाँ, गांधी जी क्या पालते थे? तो बकरी को पालने वाला कौन होता है? अरे अरे बकरी बच्चा पैदा करेगी कि नहीं? बच्ची भी पैदा करेगी, तो जब बच्चा पैदा करेगी तो उसको वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो बच्चा कसाई के घर में जाएगा कि नहीं? तो बकरी पैदा करना माना क्या बन जाना? कसाई बन जाना। हैं? कसाई ब्रह्मा बाबा और क्या हो गए? कुमारका दादी को किसने पाला? हैं? तो फिर जो बकरी दूध खिलाती है, हैं? जो बकरी दूध खिलाती है उसको पालने से क्या खाती है? दूध खिलाती है जो बकरी दूध है, वो कौन सा दूध पिलाती है? गाय के दूध में और बकरी के दूध में अंतर होता है कि नहीं? बुद्धि अच्छी किससे, कौन से दूध से बनेगी? सीधी सी बात है। संगम युगी कृष्ण ये कहते हैं कि वो संगम युग में संसार में प्रसिद्धि पाता है, भक्ति मार्ग में जो भी प्रसिद्धि है वो संगम युगी कृष्ण की है या सतयुग के कृष्ण की है? संगम युगी कृष्ण की है। सतयुग के कृष्ण के बारे में कोई जानता ही नहीं है तो प्रसिद्धि कहां से होगी? इनको सुना दो चौथी सुनने महावीर का जन्म हुआ, इसका अर्थ क्या है? बासुकुंड से महावीर का जन्म हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? कहाँ से जन्म हुआ? बापूपुर, बासुकुंड। कब हुआ ये तो बता दो, कितने साल पहले हुआ? हाँ? पता नहीं। कहते हैं कि महावीर का जन्म 2500 साल पहले हुआ, उसके बाद 50 साल के बाद महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। अब महात्मा बुद्ध का ढेर सारा साहित्य मिलता है बौद्धियों का, महात्मा बुद्ध के जमाने का, लेकिन महात्मा बुद्ध के जमाने के उस 50 साल बाद के साहित्य में कहीं भी महावीर का नाम नहीं है। इससे साबित होता है कि महावीर हुए ही नहीं, नहीं तो इतने बड़े बौद्ध साहित्य में महावीर का नाम जरूर आना चाहिए। ये महावीर, ये 24 तीर्थंकर, ये ऐसे ही है जैसे हिंदुओं के 24 अवतार, जैसे हिंदुओं में 24 अवतार नहीं हुए हैं
ऐसे ही जैनियों की ये 24वां तीर्थंकर, ये गलत बात बताई गई है संसार को। एक ही भगवान हुआ है, उसको चाहे महावीर नाम दे दो और चाहे आदिनाथ नाम दे दो। और बाबा पूतना पूतनाथा को कैसे मार रहे? पूतना है वो पूत अर्थात पवित्र नहीं है। जो पवित्र नहीं होती है उसको अपवित्रता को खंडित करने के लिए कृष्ण उसमें ऐसा संग का रंग लगाता है जो विपरीत असरकारी होता है। हैं? कृष्ण का, कृष्ण है परम प्योर, माने भगवान है परम पवित्र, और सुपन का वो पूतना है परम अपवित्र। तो कौन किसकी जीत होगी? पवित्र की जीत हो जाती है। सुपन का हाय 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 करते करते खत्म हो जाती है। पूतना भी ऐसे ही होती है। और सीता के विषय में सोच रहे हैं। किसान हल जोत रहा था, उसके अंदर से सीता पैदा हुई। जनक जी है, जनक जी हल जोत रहे थे, हल जोत रहे थे और उसके मिट्टी के तल से सीता के। हाँ, इसका क्या क्या? बाबा कहते जी ब्राह्मणों का खून उसमें गाड़ा गया था। हाँ जी, और वो हल से लगने के बाद जो इससे है बच्चा वहाँ से निकला। जनक कोई दूसरा नहीं है, जन माने आदमी, जनमानस, हक्का माने करने वाला, जो मनुष्य। हाँ जी, इनकी बात छोड़ दें। जनक अर्थात जो मनुष्यों को जन्म देने वाला है। तो मनुष्यों को जन्म देने वाला कौन हुआ? है? अरे मनुष्यों का बाप कौन हुआ? है? प्रजापिता। तो जो प्रजापिता है वो पहले पहले जन्म किसको देता है? जब खेती करेगा ज्ञान की, तो ज्ञान की खेती करेगा तो हल भी चलाएगा, और जब वो हल चलाया जाता है तो पृथ्वी में जो कलश गढ़ा हुआ है, जिस कलश के अंदर ब्राह्मणों के संकल्पों का खून भरा हुआ है। ब्राह्मण कौन से युग में होते हैं? संगम युग में ही ये ब्राह्मण हैं, जिन ब्राह्मणों के संकल्पों में खून भरा हुआ है। वो संकल्पों का खून इम्प्योरिटी का है या प्योरिटी का है? इम्प्योरिटी का है, इसलिए कहते हैं रावण उसको जन्म देने वाला था। किसको? रावण का बाप, सीता का बाप रावण, और वो संकल्पों का खून उसमें भरा हुआ है। वो संकल्पों का खून ही महाकाली का पार्ट बजाता है। वो महाकाली ही सीता का पार्ट बजाने वाली है। उसका नाम है पृथ्वी, पृथ्वी से ही जन्म लेती है और पृथ्वी में ही समा जाती है। और हाँ जी, खत्म। शीत माने ठंडा, शीत से बनता है सीता, वो है पृथ्वी और वो है सूर्य। सूर्य को कहा जाता है बाप और पृथ्वी को कहा जाता है ठंडा अर्थात सीता। वो राम बाप है सूर्यवंशी और वो सीता है चंद्रवंशी। और सिंगल आंख है, सिंगल आंख है बाबा। कौवा को एक आंख वाला कौवा, एक आंख वाला आदमी होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो कौवा नहीं हो सकता। और
माने छोटा अहि रावण माने छोटा रावण, उतना बड़ा काम नहीं करता रुलाने का, लेकिन छोटा काम करता है। और है आत्मा कोई तत्व तो नहीं होता है, तत्व तो जड़ को कहा जाता है, आत्मा तो चैतन्य है। बाबा जनक फिर अनुजनक कैसे? जनक के पीछे पीछे जो भागता है, अनुगमन करता है, उसको अनुजनक कहा जाता है। और राधा के पीछे पीछे भागती है, उसको अनुराधा कहा जाता है। और है चंद्रमा में कितनी कलाएं होती हैं? है 16 कला। कौन कौन सी होती है? अरे हम जो पूछ रहे हैं सो बताओ कि चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं, तो कौन कौन सी 16 कलाएं होती हैं गिनाओ। एक शेर में 16 छटाक होती है, एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं। कौन कौन से 1000 ग्राम होते हैं? ऐसे ही कला का अर्थ ये नहीं है कि अलग अलग कलाएं होती है, कला का अर्थ है रोशनी। चंद्रमा में रोशनी घटती जाती है माने कलाएं कम होती जाती है, रोशनी बढ़ती जाती है माने कलाएं पूरी होती जाती है। ये मेजरमेंट है। और जो जन्म मरण के चक्कर में आएगा वो दुखी सुखी नहीं होगा। अरे जो जन्म मरण के चक्कर में आएगा वो दुखी भी होगा और सुखी भी होगा, लीन भी होगा और प्रत्यक्ष भी होगा। एक भगवान है जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, लेकिन वो इस सृष्टि का बीज नहीं है। सुप्रीम सोल सेवा इस सृष्टि का स्थूल बीज नहीं है, प्रजापिता इस सृष्टि का बीज है, इसलिए वो जन्म मरण के चक्र में आता है, सुख दुख में भी आता है। सेवा बीज तो है लेकिन अविनाशी आत्माओं का बीज है। माताओं की आपस में ज्यादा पटती है या भाइयों की आपस में ज्यादा पटती है? ज्यादा लड़ाई झगड़ा कौन करते हैं? है माताएं करती हैं, झूठ बोलते हो। पवित्रता की पावर माताओं में ज्यादा होती है या पुरुषों में ज्यादा होती है? तो जहां प्योरिटी होगी वहां यूनिटी नहीं होगी, बोलो। है होगी तो माताओं में पटने की क्षमता ज्यादा है, लेकिन भाइयों में आपस में पटती नहीं है। गाय गाय आपस में मिलकर के एक होके रहेंगी और बैल आपस में
बैल आपस में लड़ मरेंगे। इसलिए बाबा ने कहा जितने पुरुष हैं वो सब दुर्योधन दुशासन, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और पटना में क्या बोला आपने, माताएं लोग ज्ञान में आती हैं, उनकी आपस में पटती है ज्ञान में और भाइयों की पटती नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और संगठन जो अभी तक हुआ है, मतलब फारबिसगंज गिधवा अररिया है, संगठन जो भी आज तक हुआ है मतलब इधर है फारबिसगंज खाबदो इधर मतलब गिधवा अररिया पूर्णिया कटिहार श्रीपुर गौरवगछिया है, खगड़िया की हो रहा है कन्या करके संगठन कहाँ होना चाहिए, मतलब हर जगह होना चाहिए, सारी दुनिया का संगठन होना चाहिए, 500 करोड़ का भी संगठन होना चाहिए, 500 700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब मिलकर के एक बाप को माने, संगठन हो जाएगा। चाहिए की बात ना करो, वर्तमान में है क्या कोई बोला के भाई बताया है, कोई भाई बताया कि एक परिवार में अगर 5 आत्मा है हाँ वो इसके आगे चल रहा है, है तो वहाँ पर संगठन नहीं होना चाहिए, उस परिवार के अंदर नहीं होना चाहिए, है? है? क्योंकि विकारी लोग जो हैं वो आपस में विकारी खान पान करते रहेंगे। है क्या हुआ, नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन जब कोई रास्ता नहीं है तब तक, जब तक हो सकता है तब तक करो, रास्ता निकल आए ट्रांसफर कर दो। उसके लिए अलग बांट लिया जाए तो भिखारी बच्चों का है, भिखारी बच्चों से अलग बांट करके कर लिया जाए तो अच्छी बात है, फिर वहाँ हो सकता बाबा, क्यों नहीं हो सकता। बाबा खगड़िया में मिनी मधुबन सागर इंतजाम हो जाए तो अच्छा रहेगा, ये हो जाए वो हो जाए क्या हो जाए नहीं हो जाए, अरे हम क्या कर सकते हैं वो देखो पहले, ये तो भीख मांगने वाली बात हो गई। अरे भाई इतना हो जाए तो हो जाए, बड़ा अच्छी बात है, इतना हो जाए तो हो जाए, अरे हो जाए तो अच्छा, ये क्या बात है, है? अच्छे अच्छे संकल्प तो हम कर सकते हैं, तो अच्छा अच्छा संकल्प करके दिखाएं कि बिहार में संगठन का एक स्थान हो ही जाए तो हो जाएगा, संगठन तो प्योरिटी से मजबूत होगा, जितनी हमारे अंदर प्योरिटी बढ़ेगी जितना हमारा प्योरिटी का संगठन बनेगा उतना संगठन सारी दुनिया को दिखाई पड़ेगा। बाबा बाबा ने एक केसेट में प्रजा पिता को गधा क्यों बोले, गधा बोले बाबा, प्रजा पिता को गधा बोला कि ब्रह्मा को बोला, सारा उल्टा ही तुम्हारी बुद्धि में आता है, कोई कैसेट तुमने नहीं सुना है, प्रजापिता बकरा बताया है, मैं करने वाला गधा नहीं, गधे का जो मिसाल है वो ब्रह्मा बाबा का है जो 400-500 कन्याओं माताओं का बोझ ढोते फिरे वर्षों वर्ष, वो कन्याओं माताओं का वजन ढोने के कारण वो गधा हो गया धोबी का, शिव बाबा हो गया वाशरमैन धोबी और ब्रह्मा बाबा हो गया गधा। और अष्टदेव और कीर्ति कला का जो नारायण उसमें दोनों फर्क क्या है, कीर्ति कला का नारायण तो सभी सत्युग के बाद जो कीर्ति नारायण है सत्युग का नारायण, वो भेद ये है वो कीर्ति कला का है, वो भेद ये है कि वो चढ़ती कला का है, दोनों में अंतर है कि वो दृष्टि की पावर से कृष्ण को बच्चों को जन्म देगा सत्युग का नारायण, और वो दृष्टि की पावर की भी उसको दरकार नहीं है, कोई भी इंद्रिय की दरकार नहीं, कर्मेंद्रियों की भी दरकार नहीं है और ज्ञानेंद्रियों की भी दरकार नहीं, संकल्प शक्ति से ही बच्चों को पैदाइश करेगा, वो है चढ़ती कला। उसका गायन है नर से नारायण, मैं नर से नारायण बनाता हूं नर से प्रिंस नहीं बनाता हूं। और
क्या बोला? किसको? विष्णु को। हाँ, विष्णु ने गला काट दिया। हाँ, असुरों का गला काटते थे। गला काटने का मतलब आत्मा सर के ऊपर रहती है या शरीर के नीचे रहती है, तो ये गला काट दिया माने आत्मा अलग कर दी और देहभान अलग कर दिया। तो अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। हाँ। और बाबा, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण 6 साल लगाया गया, पर्दा नहीं लगाया गया, पेशगीर है। पेशगीर का मतलब उनका तामझाम बहुत है पीछे पीछे। जो छोटा राजा होगा उसका छोटा तामझाम, और विश्व का मालिक होगा तो बड़ा तामझाम। वो बड़े तामझाम को संभालने वाले जो राज्याधिकारी हैं वो ढेर के ढेर होते हैं। सारी दुनिया में फैले हुए राज्याधिकारी होंगे, और छोटे से राज्य का राजा होगा तो राज्याधिकारी थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? थोड़े होंगे, उसका तामधाम भी थोड़ा होगा। और हाजीपुर का अर्थ है मुसलमान हज करने जाते हैं। जो हज करने जाते हैं उनको कहा जाता है हाजी, और जहाँ हाजियों का ही संगठन है वो है हाजीपुर। और बाबा नूरजमापुर का अर्थ क्या है? नूरजमा का पुर उसका अर्थ है नूर माने रोशनी, और जमा माने जहाँ रोशनी जमा की जाए, जहाँ रोशनी का पुंज इकट्ठा किया जाए उसका नाम है रो नूर जमापुर। ऐसे होना चाहिए नूर जहाँपुर। तुमने जमापुर कहाँ से सीख लिया? हमारा घर है। बिगड़ गया नाम। और है टीचर से क्यों होता है? टीचर से क्यों होता है? टीचर से। किसने कहा खगड़िया कीचड़ है? अरे तुम अमृत घोल दो तो कीचड़ कहेंगे उसे? खगड़िया माने खगारना। ओ, ये तो नहीं कहा कीचड़ खगाड़ा जाता है। हाँ, ज्ञान को खगाला, ज्ञान का मंथन किया जाए माने खगड़िया। फिर वही चाहिए चाहिए चाहिए। अरे चाहिए चाहिए से नहीं होगा, चाहिए से कुछ नहीं होगा। मिनी मधुबन क्यों होना चाहिए? स्वर्ग होना चाहिए। तो फिर हाँ, है गरीब गिरजाघर में रविवार को, संडे को अब किसी की ये सुनने की इच्छा नहीं है, सब बातें करने में लगे हुए। उनका कहना क्रिश्चियन से बिलोंग कर रहे थे, संडे को ही क्यों रखा गया संगठन? रविवार इनका ध्यान में नहीं है कि रवि मतलब शुरू नहीं होता है। ये बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन जाते हैं संडे के दिन, संडे के दिन बाबा संगठन क्यों रखते हैं? क्रिश्चियन से बिलोंग कर रहे हैं। सारी दुनिया क्रिश्चियन के प्रभाव में आ गई है या मुसलमानों के प्रभाव में आ गई? हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। सारी दुनिया आज क्रिश्चियंस के प्रभाव में है या मुसलमान पारसियों या बौद्धियों के प्रभाव में है? इसलिए संडे को रख रहे हैं। जब सारी दुनिया सदगुरु के प्रभाव में आ जाएगी तो सदगुरुवार का महत्व हो जाएगा।
अच्छी बात है ना, खराब बात तो नहीं है। तो खराब बात क्या है, है? हम कह रहे सातों दिन होना चाहिए है। क्या नियम है? वहाँ कोई कन्याएं माताएं नहीं आ सकती। पांडव भवन खोल के बैठो तो सिर्फ पांडव ही पांडव इकट्ठे होंगे, अपना खाना बनाएं, अपना अध्ययन करें, अपना बैठ के क्लास करें, दूसरों को ज्ञान दें, संदेश दें, कोर्स कराएं, भट्टी कराने ले जाएं, लेकिन कोई कन्याओं माताओं को नहीं इकट्ठा होना है वहाँ। कन्याएं माताएं अगर आना शुरू होंगी तो पांडव वन कैंसिल। अरे कोई नियम थोड़े ही बना दिया, जैसा तुमको अनुकूल हो वैसा कर लो। प्रजातंत्र राज्य है, प्रजातंत्र में जैसा सब प्रजा कहती है वैसा बना लो है। रविवार को करो, रविवार छुट्टी का दिन होता है। अजय और भदास का मतलब है बंद कर दी। बंद कर दी माने निष्कर्ष बनाई दिया, नीचे बनाई दिया, सारी दुनिया में हाहाकार हो गया। बंद कर दी माने हार कर दी। बद आस माने बद की आस। चलो टाइम हो गया।